मैं एक चीज लिखी हुई कि वॉक अलोन, ये मदर टेरेसा का स्लोगन है, बट व्हेन यू वॉक यू विल बी नॉट अलोन. बंद कर दो ना, एलईडी बंद कर दो ना. है ना, जो शायद अभी बहुत छोटी है, लेकिन बोलते हैं कि शुरुआत बहुत जरूरी है, तभी जाके बड़ी मुहिम बन सकेगी. फिर हम सवाल आता है कि सामाजिक मुद्दों पे फिल्म क्यों बनाई जाए. हम लोग बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो हम लोग सामाजिक मुद्दे उठाते क्यों और उसकी स्थिति क्या है, पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति बनती जा रही है. मेरा मानना ऐसा है कि जैसे न्यूज़पेपर है, टीवी है, फिल्म है, इनकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति कुछ ज्यादा बढ़ जाती है. हमारे घर पे कोई सेल्समैन आता है, न्यूज़पेपर आपके बंद दरवाजे के अंदर छोटी सी बीच से सर के अंदर पहुंच जाता है. उसी तरीके से टीवी, आप घर पर हैं नहीं है, आपका बच्चा, उसको वो चीज देखनी है नहीं देखनी है, सेल्समैन की बटन दबाता है और आपके सामने होती है. उसी तरीके से फिल्म, उसी तरीके से अब ये मोबाइल, ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है. आप दिखाना चाहें बच्चों को, चाहे ना दिखाना चाहें, तब भी ये आप तक पहुंचता है. तो इसलिए इस मीडिया की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. फिल्म बनाना, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सबब का काम है, ये पूजा का काम है. पैसे कमाने के लिए एक नाच, एक गाना, एक वो, ये डाल करके फिल्म बना दो, आपकी ऑडियंस आएगी, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे. लेकिन फिर भी आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, इस तरीके के मुद्दे के साथ जुड़े हैं, तो पहले तो हमें इस चीज पे बहुत गर्व होना चाहिए कि हम इस तरीके की फिल्म मेकिंग करते हैं और आगे इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों तक इसके पहुंची जा सके. दूसरी बात आती है कि बनाने के बाद इन फिल्मों का क्या हश्र होता है, क्या हम आगे हौसला कर पाते हैं. बहुत से फिल्म मेकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर है, जिन्होंने इस तरीके की कोशिश की, एक फिल्म बनाई, दूसरी के अंदर कहीं और चले गए, तीसरी के अंदर कहीं और चले गए, चौथी के अंदर फिर उसी ठर्रे के अंदर आ गए. लेकिन इसके अंदर जुड़े रहना, जूझते रहना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए. और समय बदलता है. पहले हम टीवी में जाते थे प्राइवेट चैनल के पास, कोई मुद्दे की बात लेकर के, कोई अच्छा कॉन्टेंट लेकर के, तो हमें भगा दिया जाता था कि ये तो दूरदर्शन का मुद्दा है, आप जाइए. लेकिन आज बालिका वधू चला, अब प्राइवेट चैनल बोलता है कि हमें लाइए, मुद्दा लाइए, आपका मुद्दा क्या है, सोशल मुद्दा क्या है, अवेयरनेस क्या है इसके अंदर. तो समय बदला है, फिल्में बदली है, बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी भी आ रहे हैं, अक्षय जी भी आ रहे हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा भी बन रही है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है. लेकिन अभी सिर्फ हमारे छोटे लोगों के लिए, हम अपने आप को छोटे मेकर मानते हैं, हमारे पास स्टार नहीं, मुद्दे की फिल्म के लिए भी स्टार चाहिए. तो लोगों तक ये फिल्में पहुंचेगी कैसे, और खासकर उतना नहीं जितना प्रोड्यूसर ने लगाया है, 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, वो पैसा कैसे कवर हो सकता है, ये मेरे ख्याल में आज की मीटिंग का, इस बात का एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो विक्रांत मोरे जी कर रहे हैं. उसके लिए फंडिंग किस तरीके से, क्योंकि उतना सा आ जाए प्रोड्यूसर को, जिस दिन प्रोड्यूसर को, बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि उन्होंने जो लगाया हुआ है, अगर उनको इस तरह की फिल्मों से वापस आ जाता है. हम बहुत से सरकारी अभियान, पोलियो पे अभियान चलता है, एड्स पे अभियान चलता है, करोड़ों पे खर्च करते हैं, तो क्या फिल्मों के लिए नहीं हो सकता, क्या सरकार नहीं कर सकती, या हम लोग नहीं कर सकते मिल करके. हम लोग देखने नहीं जाते इस तरीके की फिल्में. सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग नहीं चाहते कि उस हवन के अंदर हम भी 150 रुपए का टिकट लेके उस तरीके की फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएं. तो सबसे पहले जरूरत है हम लोगों को अपने आप को जागरूक करने की, एक अच्छे दर्शक बनाने की. और इस तरीके की मुहिम ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी रोटरी क्लब हैं, वो हैं, जब ये लोग भी जब दूसरे तरीके के अभियान करते हैं, तो फिल्मों के लिए क्यों नहीं. जब हर एक इंडस्ट्री के अंदर 2% का रखा होता है कि आप सबब के काम के लिए इसको लगाएंगे, तो उल्टी सीधी चीजों को लगाने के बजाय, बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में उसके फंक्शन करने के बजाय, क्यों नहीं हम सार्थक सिनेमा की तरफ इस इन्वेस्टमेंट को लेके जाएं. तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है. लेकिन इसके अंदर आज 50 लोग हैं, मुझे लगता है 1-2 साल के बाद ये इस तरीके का सेमिनार होगा तो 500 होंगे, 5000 होंगे, और आने वाले समय में बहुत, मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानता हूँ कि आज जो कमर्शियल सिनेमा जिस स्थिति के अंदर है, जिस तरीके से हम लोगों को एक पैरेलल सिनेमा के लोग बोला जाता है, ये पैरेलल सिनेमा मेन स्ट्रीम में होगा, और दूसरा सिनेमा नाच गाना फूड पन ग्रैंड मस्ती, ये बहुत ही निचले स्तर के ऊपर आ जाएगी.
बस सिर्फ जूझना पड़ेगा, लड़ते रहने पड़ेगा, इस तरीके की बातचीत के अंदर विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जो मुझे लगती है, जो मैंने अपनी फिल्म में, पिछली फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की, कि बच्चों के सवाल खत्म हो गए हैं और माँ बाप ने जवाब देना बंद कर दिया है। कोई भी सवाल अगर बच्चा पूछता है तो माँ बाप सीधे बोलते हैं, गूगल पे देख ले भैया, मैं जरा काम कर रहा हूँ। आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, आप एयरपोर्ट पे जाएं, तो आप देखेंगे एक फैमिली बैठी हुई है, तो फैमिली के अंदर बच्चे ने अलग मोबाइल लिया हुआ है, किसी ने लैपटॉप लिया, माँ ने, पूरी फैमिली अपने अपने काम, आपस में बातचीत बंद हो गई है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा ये जो गूगल आया हुआ, गूगल मास्टर, ये आपको नॉलेज दे सकता है लेकिन संस्कार नहीं दे सकता। जो नाना नानी दादा दादी की कहानियाँ छाती से लगा करके नानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, तो उस कहानी के अंदर संस्कार भी होते थे, वो दिल तक पहुँचती थी। तो हमें आपस की जो बातचीत है फैमिली के अंदर, वो बिल्कुल ही बंद हो, इस सवाल के जवाब देना ही नहीं चाहते, सब कुछ गूगल। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है इस तरीके के हादसों का, इस तरीके की होने का। दूसरा क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल अलग तरीके से ले जा रहे हैं। बच्चों को आजकल होता है, माँ बाप का पैसा है, बच्चा बोलता है छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, चलो चलो दुबई का टिकट मिल रहा है, स्विट्जरलैंड का मिल रहा है, चलो चलो फलाना इतने रुपये में ही मिल जाएगा। नहीं, क्या हम लोग अपने बच्चों को कभी पहाड़ों में, गाँव के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि मूली कैसे उगती है, दूध कैसे देती है। हम लोग महानगर की उस पूरी चकाचौंध के अंदर फंस गए हैं और उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे हैं जो रियलिटी है, जो नेचर के पास हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल में। तो गांव के बच्चे भी तो सुसाइड करते हैं। गांव के बच्चे करते हैं, लेकिन परिस्थितियां गांव में इतना नहीं होगा, गांव में बिल्कुल इतना नहीं होगा। गांव में वहीं पर होगा जहां उनके माँ बाप उनको इग्नोर कर रहे हैं, माँ बाप इग्नोर कर रहे हैं, वहां पर सुसाइड सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस मिलिट्री अपना काम कर रही है, चिट्टा, ये स्मैक, ये दारू सब पकड़ रही है, लेकिन हम लोग इस चीज पे, जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इस चीज पे बात नहीं करते। देखिए, आप स्मैक है, चिट्टा है, कोई मुफ्त में, कोई मुफ्त में तो मिलता नहीं है, कोई जबरदस्ती किसी को पिलाता नहीं है, फिर क्या कारण है बच्चा इसकी तरफ जा रहा है? तो कारण वही है कि माँ बाप जो है उनके बच्चे के अंदर क्या चीज पनप रही है, जो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने भी बताया, बाकी लोगों ने भी बोला कि कैसे ये ग्रोथ होती है, मानसिकता कैसे उसकी तरफ बढ़ती है। तो उस चीज को हम लोगों को सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज के ऊपर सोचें कि इस तरफ जाए ना बच्चा, आपस के अंदर दोस्त की तरह। मेरा मानना ऐसा है कि बच्चा 10th तक होता है तो माँ बाप के सपने होते हैं, उसके हिसाब से हम बच्चे को पालते हैं, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अपने सपने होते हैं। हम जिंदगी में डॉक्टर नहीं बने तो हमारा पूरी कोशिश रहती है बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इसको साइंस लो, इसको वो लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बच्चा थिएटर फील्ड में भी जा सकता है, बच्चा दूसरी बहुत सी किसान भी बन सकता है। तो हमें उसके सपने के साथ चलना चाहिए, ना कि अपने सपने के साथ ज़बरदस्ती बच्चे को चलाना चाहिए। ये 90% 98% मार्क्स, ये जो होड़ लगी हुई है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो हम उसको बोलते हैं ना, पढ़ाई दे रहे हैं लेकिन बच्चा कर नहीं रहा। करने और पढ़ने में बहुत फर्क होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ करना बहुत जरूरी है, जो हम छोड़ रहे हैं।